राजस्थान के और खास तौर पर सीकर के हमारे किसान सभा के सभी जुझारू साथियों को अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से सबसे पहले मैं क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। एक जबरदस्त संघर्ष ये आप सभी ने पिछले कई सालों से आप कामयाब करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमने एक नई बात देखी। पिछले तीन दिन से हम देख रहे हैं और वो बात क्या है? वो बात ये है कि वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार राजस्थान में अगर किसी को डरती है तो वो है हमारी किसान सभा, और किसी को वो डरती नहीं है। ये हमने आज सबूत करके दिखाया है। पिछले तीन दिन से एक दमन का दौर ये राज्य सरकार ने पूरी तरह से राजस्थान के किसानों के ऊपर उन्होंने चलाया है। हमारे लोकप्रिय साथी किसान सभा के भूतपूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड अमराराम जी को इन्होंने बहुत बेशर्मी के साथ गिरफ्तार किया, कॉमरेड सेनाराम को गिरफ्तार किया, कॉमरेड बेनीवाल को उन्होंने गिरफ्तार किया। हमारे राजस्थान के 1000 के ज्यादा हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया। आज हम यहाँ ऐलान करना चाहते हैं, जब तक किसान सभा के हमारे नेताओं को रिहा न कर दिया जाए तब तक ये घेराव हम उठा ही ले रहे हैं। ये आज हम यहाँ कहना चाहते हैं। उसी मुताबिक आपने पिछले साल 1 से 13 सितंबर तक एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ राजस्थान के हमारे किसानों ने किया, खास तौर पे सीकर का आंदोलन जो हुआ पूरे देश भर में जिसकी सराहना हुई, पूरे देश भर के किसानों को जिस आंदोलन ने प्रेरणा दी वो आपने सीकर में किया। और इस आंदोलन के चलते 50,000 रुपए तक हर किसान का कर्जा माफ करने का आज वसुंधरा राजे को आज उनको ऐलान करना पड़ा। हमारे लाभकारी मूल्य देने के लिए आज उनको मान्य करना पड़ा। पेंशन देने का हमारे गरीब किसान और खेत मजदूरों को वो उनको मान्य करना पड़ा। मनरेगा के काम ये हमारे खेत मजदूरों को मिलेंगे ये उनको कहना पड़ा। और जो आवारा पशु है उससे जो हमारे खेती का नुकसान होता है उसका नुकसान भरपाई ये उनको देने का ये उनको कबूल करना पड़ा 13 सितंबर 2017। लेकिन आज 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद इनमें से बोलो एक भी मांग असल में लागू हुई क्या? एक भी मांग लागू नहीं हुई। और इस गद्दारी के खिलाफ आज हमारा राजस्थान में संघर्ष ये हमारा जारी है और जारी रहेगा। ये जो वादे खिलाफी है ये वादे खिलाफी हम बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे, हम उसको बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और इसलिए आज ये घेराव आज सीकर में जबरदस्त तरीके से हुआ है। ये देखिए नेताओं को तो अटक किया ही, गिरफ्तार किया, लेकिन साथ में आज इनका ये देखिए दौर, हर गांव में जाकर, तालुका में जाकर, जिलों में जाकर इन्होंने किसानों को आज जयपुर आने से रोका, अलग अलग जगह में। लेकिन फिर भी आज हम ये देखते हैं फिर भी हजारों किसान आज जयपुर तक पहुंच गए, और ये है हमारी जीत, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।
आज साथियों जिस प्रकार की परिस्थिति है, इस प्रकार से आज किसान न सिर्फ राजस्थान में पूरे भारत में आज बहुत बदहाल अवस्था में है। पिछले 20 साल में ये जो नव उदारवादी नीति इन सरकार ने अपनाई, पहले कांग्रेस के सरकार ने वही नीति अपनाई, आज भाजपा की सरकार वही नीति को आगे चलाने का काम कर रही है। क्या नतीजा हुआ दोस्तों? इन नीतियों के चलते हमारे देश के 4 लाख से ज्यादा किसानों को आज कर्ज वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया ये सरकार ने। 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। मैं उस राज्य से आता हूँ, महाराष्ट्र से, जिस राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई, 75,000 से ज्यादा ये हमारे महाराष्ट्र में आत्महत्या हुई। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। सही माने में आज ये 50,000 की कर्जा माफी ये तो हम लेके ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और जरा सोचिए, आज ये कर्जा माफी पूरी करना सिर्फ 50,000 नहीं, अगर कोई गरीब किसान और मंझले किसान का 1 लाख रुपया कर्जा होगा, 2 लाख रुपया कर्जा होगा, हमारी किसान सभा की मांग है ये पूरा कर्जा माफ होना चाहिए।